पीला चलता है, क्या इसके ऊपर पीला पंजा नहीं चल सकता? बताइए आप, बताइए सर, क्या ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ये बताए हमें कि क्या 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 दुष्यंत चौटाला के पास परमिशन है कैंप लगाने की? हाजी मीडिया वालों, ये देखिए देखिए हरियाणा का उप मुख्यमंत्री किस प्रकार से जो सड़क के ऊपर शरेआम सरकारी सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके बैठा है और उसने यहाँ पे टेंट लगा रखा है, लेकिन परमिशन उसके पास नहीं है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट, आप उनका बयान लीजिए जल्दी से, आप बयान लीजिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का, लीजिए बयान। और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं थे। आओ जी मैजिस्ट्रेट साहब, क्या क्या नेम है आपका? जसपाल सिंह, बी ओ नासिर चौपा जी। तो ये है कि इसकी परमिशन जो किसान कह रहे हैं किसी की, ये परमिशन होगी तभी लगाया होगा। सर पीला पंजा एक मिनट में चलाया जाता है यहाँ पर, काफी समय से ये टेंट लगे हुए हैं, क्या परमिशन है? यस और नो, मैं अभी बताता हूँ देख के। अभी मतलब आप अभी यहाँ पर ड्यूटी पे, आपको अभी तक ये पता नहीं, नहीं लगाया ये पर, बिना परमिशन थोड़ी लगाते हैं कोई चीज़, बिना होगी परमिशन तो सब कुछ आपकी तरफ से, आप श्योर नहीं हो यहाँ पे? आप अपनी तरफ नहीं, कागज है, कागज तो है सिर्फ, साहब तो क्या किए तो आप दिखाइए ना, जो किसान जो जवाब मांग रहे हैं वो उसका जवाब दीजिए। जब किसानों को गलत बताया जा सकता है तो आप इस चीज के लिए, इस चीज के मैं एसडीएम साहब से बात कर लेता हूँ, एसडीएम साहब से भी परमिशन के बारे में क्या है क्या। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, दसो हो पुलिस प्रशासन या ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नु लियाओ फिर इत्थे करके गल। हां जी सर, जितेंद्र जी, हां जी सर, जल्दी आओ इधर, फिर आप दसो गल दसो मंत्री सर, आप जनता देंदी है सर, इसको उखड़वाओ फिर अतिक्रमण आइए, अतिक्रमण है साहब, ये अतिक्रमण है, सरकारी सरकारी सड़कों के ऊपर अतिक्रमण है, फिर आप पंजा चलाओ यहाँ पे। ओ जी इन्हां दा जमीन नहीं जायदा, कम से कम तुम आपदा जमीन तो जगावो। आप ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, अगर हमारे पे अगर आपने हमारे पे लाठियां चलवानी होना तो ऊपर से परमिशन नहीं लेनी होती, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। आप हमें सर नहीं, आप डिसीजन लीजिए, इसको खुड़वा रहे हो कि नहीं खुड़वा रहे? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, आप ड्यूटी मैजिस्ट्रेट आप हो कि नहीं हो? हो ना, एक मिनट मीडिया से बात, प्लीज प्लीज उनको बीच में कवर कीजिए। नाम नोट कराओ सर, आप हमें ये बताइए कि अगर आप ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हो तो ऑन द स्पॉट फैसला लेने का राइट आपका है, ना कि आप ऊपर से परमिशन लोगे। जे असि गलत कह रहे हैं तो फिर डांगा इधर ना चलाओ। हाँ आप इनको परमिशन दीजिए, हमारे लाठियां मारे, हम मंजूर करेंगे इस बात को, लेकिन सर नहीं, ये नहीं चलेगा सर। पावर का यूज कीजिए, सर ये बड़ी सी गोल है, सर ये कानून का गलत कोटा जा रहा है, दिल्ली सीएम नु मिलन जा रहा, आ देख लो पाडे सामने। देखो जी, 350 तो वध किसान शहीद हो गए, और असी तो ये समझते हैं भी इन्हां साडी खून की होली जिहड़ी उह खेड रहे सी, जो साढ़े तो बर्दाश्त नहीं होया, इस करके अज किसानां दी जित होई आ, इन्हां ने आण के इत्थे इन्हां दे जिहड़े टेंट सी उह लवाए आ, और असी इस चीज़ नूं आपदी बहुत वड्डी जित हासिल प्राप्त करते हैं भी, साढ़े किसानां दा एका साडी बहुत वड्डी ताकत हासिल होई आ, असी इन्हां दा जिहड़ा टेंट आ उह तरवाउण विच कामयाब। जे इन्हां नूं पुछण वाला सी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਟਾਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ? ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ। Yeah.
चलो हेलो सारे किसान साथियों का जो पूरे सिरसा जिले को छोटे के थले से आया है धन्यवाद। आज किसानी की जित क्योंकि साड़ी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी नाल, ये लोग साड़ियां चाहतां ते लड्डू